भगवान बुद्ध को मानने वाले जो उनके शिष्य थे या जो आज भी जो भिक्खु होते हैं भगवान बुद्ध को मानने वाले, वो लोग 12 बजे के बाद खाना क्यों नहीं खाते? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। इसका बहुत सीधा सिंपल सा और सीधा सा आंसर है कि जब भगवान बुद्ध ने, तथागत बुद्ध ने, चीवर बुद्ध ने ये देखा और ये जाना कि अगर ज़्यादा खाना खाते हैं तो उससे साधना में, विपस्ना में, तपस्या में, मेडिटेशन में नींद आती है, ऊंग आती है और शरीर के अंदर एक बहुत ज़्यादा आलस आता है, तो उन्होंने कम खाना खाया और कम खाना खाने के बाद ये देखा कि कम खाना खाने से शरीर बहुत अच्छा रहता है, शरीर में बीमारियाँ भी नहीं होती और पूरे शरीर में काम बहुत अच्छा होता है। तो उन्होंने इसका नियम बनाया कि आप 12 बजे के बाद खाना नहीं खाएंगे। बाद में कुछ जो उपासक थे उन्होंने इसको उपोषण से जोड़ दिया और उपोषण में कहा गया कि आप 12 बजे के बाद खाना नहीं खाएंगे। उपोषण जो शब्द है वो खाना खाने के नियम से बिल्कुल भिन्न है। उपोषण का मतलब है, जो उपोषण हम करते हैं ये महीने में 4 बार आता है, 2 अष्टमी को, 1 पूर्णमासी को और 1 अमावस को, 1 न्यू मून वाले दिन, 1 फुल मून वाले दिन और 1 मून के बाद 8वें दिन 8वें दिन आता है, 4 बार आता है। उपोषण के अंदर सुबह सुबह लोग आते हैं और आके वहाँ उपोषण के सील ले लेते हैं जो 8 नियम होते हैं, उसके बाद वो दोपहर तक खाना खाते हैं और पूरे दिन विपस्ना करते हैं और अगले दिन रात को विपस्ना करके सुबह 5 बजे वहाँ से जाते हैं। उपोषण जो स्टार्ट किया था या आरंभ किया था, शुरू किया था, ये भगवान बुद्ध ने किया था। ये इसलिए किया था, उपोषण का मतलब है उपपोषत, यानी जितना पोषण आपने किया है, जितना आपने खाना खाया है उसके बाद थोड़ा सा उसको ठीक करना। या खाने को जो बोला है भगवान ने वो क्या है, वो है कि जितनी शिक्षाएं भगवान ने दी हैं, जो उन्होंने पढ़ाया है, यानी जितनी आपको पोषक तत्व दिए हैं शिक्षा के, उनको रिपीट करना, उनकी बार बार आवृत्ति करना और उनको चेक करना कि कहीं कोई नियम बदल तो नहीं गया। ये नियम सारा संघायन के अंदर होता था और वहाँ लोग बैठ के इस नियम को अपनाते थे। वहाँ सब एक नियम को, सारे भिक्खु, उपोषक पहले शुरू में सारे भिक्खुओं के लिए होता था, बाद में उपोषक उपासकों के लिए, जो ग्रस्त लोग होते थे उनके लिए भी खोल दिया गया। इस उपोषक में खाना नहीं खाया जाता, इसको बोलते हैं निराहार रहना, इसको उपवास भी नहीं बोलते, क्योंकि उपवास जो होता है, उपवास को आम भाषा में बोलते हैं कि व्रत रखा हुआ है, मगर ये उपवास जो होता है, उपवास का मतलब है कि अगर मैं जैसे चंडीगढ़ में रहता हूँ और मैं दिल्ली आ गया तो दिल्ली मेरा उपवास हो गया और चंडीगढ़ मेरा वास हो गया। यहाँ जो व्रत का मतलब है, व्रत का मतलब होता है वारित से, यानी जो 8 नियम आपको दिए गए हैं उपोषण में, उनको वारित नियम बोलते हैं, आपको उनसे व्रत रहना है। व्रत रहने के शब्द को ही बढ़ती करके या व्रत करके या बढ़ती रहना करके बताया गया। बेसिकली आपको नियमों से व्रत रहना है, जो नियम बताए हैं, जैसे चोरी नहीं करना, चोरी से व्रत रहना है, हत्या नहीं करनी, उससे व्रत रहना है, आपने व्यभिचार से व्रत रहना है, शराब से व्रत रहना है आपने, और आपने पाप नहीं करना, उसे व्रत रहना है, ऊँचे आसन पर नहीं सोना है, उससे व्रत रहना है, जो आपने दोपहर बाद खाना है, अकाल भोजन है, उससे आपको व्रत रहना है। ये नियम है, उन नियम से व्रत रहना, इसको इसलिए बढ़ती बोलते हैं। तो उपोषण शब्द अलग है, उपवास शब्द अलग है, व्रत शब्द अलग है, और भूखे रहने का मतलब है निराहार रहना। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।